भाग्यशाली गुरुमुखो सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य अलौकिक ज्योतिर्मय पावन स्वरूप को अपने मन मंदिर में विराजमान करके अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके मन व वाणी को पवित्र करने हेतु बड़े प्रेम से बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो श्री आनंदपुर में पंचम पातशाही जी महाराज जी के समय में एक महात्मा जी ने सत्संग किया। कबीरा वो दिन कब आएगा, गुरु कहेंगे बाहां, अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छाओं, अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छाओं। अभी सत्संग कर ही रहे थे तो श्री सतगुरु देव जी महाराज जी ने माइक अपने हाथ में ले लिया और फरमाया, प्रेमियों वो दिन है आ गया, परमहंसों ने पकड़ी बाह, अपना कर बैठा लिया चरण कमल की छा, अपना कर बैठा लिया चरण कमल की छा। जब परमहंसों ने अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाए तो सारे प्रेमी गदगद हो गए और पावन श्री चरणों में सबने दंडवत वंदना की कि महापुरुष हमें स्वयं फरमा रहे हैं कि आप हमारे शरण में आ गए हो, हमने आपकी बाह पकड़ ली है, आपको जिस दिन की इंतजार थी वो दिन आपको मिल गया है, अब आप सभी फिक्रों गम से आजाद हो गए हो। तो ये महापुरुषों की हमारे ऊपर कितनी असीम दया है कि एक व्यक्ति अंधेरे में पुकार रहा है, मेरी परमात्मा हेल्प करो, मेरी सहायता करो, और दूसरी ओर परमहंस रोशनी की मीनार लेकर के स्वयं प्रकट होते हैं कि मैं हूं ना, तेरे को चिंता की क्या बात है, मैंने तेरी बाह पकड़ी हुई है, तो इस संसार में निश्चिंत होकर के अपनी यात्रा को तय कर। इसी पातशाही महाराज जी का समय था। श्री गुरु महाराज जी कहीं बगीचे में अपने संत मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे। साथ में बड़े बड़े महात्मा जी थे, मुल्तानी महात्मा जी हमारे श्रीमान जी और परम योगानंद महात्मा जी वगैरह, सब बड़े बड़े महात्मा साथ में भ्रमण कर रहे थे। अचानक श्री गुरु महाराज जी एक आम के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए।
तो कुछ बच्चे, दो बच्चे वहां पर आम तोड़ रहे थे। उन्होंने पहला पत्थर मारा तो कुछ आम गिरे। उन आमों को उन्होंने झोली में बटोर लिया, लेकिन उनको नहीं पता कि सृष्टि के परमपिता परमात्मा स्वयं इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं। दूसरा उन्होंने पत्थर मारा तो वो श्री गुरु महाराज जी के कोमल तन पर जाकर के लग गया। श्री गुरु महाराज जी एकदम खड़े हुए और उन्होंने कहा, कौन है यहाँ पर, किसने पत्थर मारा है? दोनों बच्चे घबरा गए थोड़ी देर के लिए, तो वो शर्मा खाए तो उन्होंने कहा, पत्थर हमने मारा, लेकिन हमने पेड़ से आम लेने के लिए मारा था, हमें आप क्षमा करें, हमने आपको इस इशारे से नहीं पत्थर फेंका था। तो श्री गुरु महाराज जी थोड़े मुस्कुराने लगे, तो उनसे डरे हुए बच्चे बोलने लगे कि हे महात्मा जी, पेड़ को हमने पत्थर मारा तो पेड़ ने हमको आम दिए, आपको हमारा पत्थर लगा तो आप हमें क्या दोगे, सजा दोगे या इनाम दोगे? तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए और फरमाया कि पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने आपको आम दिए, हमको पत्थर मारा तो हमने आपको लोक और परलोक के बंधनों से आजाद कर दिया है। आपको यहाँ पर तो कोई दुख व्यापेगा नहीं, पर लोक में भी आपके सारे गुनाहों की माफी हो गई है और आप आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए हो। शायद उन बच्चों ने तो इसका भाव ना समझा हो, इतना गहरा भाव था, लेकिन हमारे लिए एक ही मार्गदर्शक वचन है कि महापुरुष अपने कोमल तन पर कष्ट उठा करके भी हमें कितना सुख देते हैं, कितना आनंद देते हैं, कितनी खुशी देते हैं। हम रोज प्रातः काल आरती में वंदना करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, मले दल अमल अचल अमल पदाम्बुज श्री सतगुरु जी के जो ध्यावतम, सुख सुयश सुगति सुबुद्धि सुशांति बिना प्रयास सो पावतम। कि जो भी मले दल की तरह, चंदन की तरह, मले पवन की तरह पवित्र विशुद्ध चरण कमलों की उपासना करते हैं अपने सतगुरु के, मले दल अमल अचल पदाम्बुज, अचल जो शाश्वत चरण कमल है उनकी जो उपासना करते हैं, वो क्या करते हैं, सुगति सुबुद्धि सुशांति बिना प्रयास स्वभावतम। जिस शांति के लिए, जिस सुगति के लिए, जिस आनंद के लिए, सुयश के लिए जीव भटकते हैं, कहते हैं सो बिना प्रयास स्वभावतम, वो सहज ही बिना प्रयास के सहज रूप में ही उसको प्राप्त कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही श्री आनंदपुर में सेवा का कार्यक्रम चल रहा था, तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा सेवकों से जहाँ पर हल्ला चल रहा था कि आप सब बहुत खुश हो? सब ने कहा जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि इसी खुशी के वास्ते लोग इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनको खुशी नहीं मिल रही। आप गुरुमुख सेवा में लगे हुए हो, भक्ति में लगे हुए हो, खुशियों से अपनी झोली भर रहे हो, और आप, हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर रहते हुए बहुत खुश हैं। तो उस खुशी को, जिस खुशी की तलाश में लोग भटकते हैं, कहते हैं सच्ची खुशी की तलब में लाखों करोड़ों चल बसे, खोज उनकी गलत थी इसलिए वो ना पा सके। है दुनिया ढूंढती है जगत की मीनाकारी में, सच्ची खुशी भरपूर है नाम की एक खुमारी में। गौर से सुन लो समझ लो, सतगुरु की सीख लो, मतलूब हो दायमी खुशी तो सतगुरु की सीख लो। अगर सच्ची खुशी की तलब है तो सत पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो,
सच्ची खुशी संसार के इन बाहरोनी साधनों में नहीं है, जहां पर कि जीव इस खुशी को ढूंढ रहा है। पिछली बार हम आनंदपुर गए तो मौका मिला सत्संग करने के लिए, तो उस समय भी यही भाव मन से निकला और मैंने बताया कि महाराज जी, हमारा जो आश्रम है वो हाईवे की बिल्कुल एग्जिट के ऊपर है, कि हाईवे दूर से ही दिखाई देता है। तो सुबह जब हम उठते हैं तो अपने कमरे से ही हमें दिखता है कि लाखों कारें भागती जा रही हैं। सुबह 6:30 रात भर भी भागती हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं सारी दुनिया भाग रही है। किस चीज के लिए? खुशी की तलब में। वो भी भागते हैं, हम देख रहे हैं कि वो भी भाग रही हैं, लेकिन हम भी भागते हैं। हम किस ओर भागते हैं? हम मंदिर की ओर भागते हैं। हमें भी लगता है कि टाइम हो रहा है, दौड़ा दौड़ी हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम भागते हैं मंदिर की ओर, आपको मिलने के लिए भागते हैं। हम अंदर की ओर भाग रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम अंदर की ओर भागते हैं और सारी दुनिया बाहर की ओर भाग रही है। तो ये सोच मिल जानी, ये ज्ञान मिल जाना, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। आज भी मैं सुबह सोच रही थी कि हम दरबार में रह रहे हैं, कितना आनंदमय जीवन हमारा सतगुरु देव जी ने कर दिया है, कि किसी चीज की तो कोई कमी नहीं है, हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है, केवल अपने विचारों का कांटा बदला है। कि जिस विचार को इंसान अपने विचारों के वायस ही वो दुखी है और विचारों के वायस ही वो सुखी है। विचार उसके संसारिक है, संसार की और संसार के पदार्थों की तलब है तो वो दुखी है। हमें सतगुरु की सेवा और भक्ति और दर्शनों की तलब है तो हम सुखी हैं। केवल हमारा विचारों का ही तो कांटा बदला, छोड़ा तो हमने भी कुछ नहीं हुआ, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो क्या है, महापुरुष हमारा केवल एंगल बदल देते हैं, वो हमारा कुछ छुड़वाते नहीं है। जिसके वजह से संसारिक प्राणी भक्ति करते हुए सोचता है, डरता है, कहते हैं टाइम ही हो गया। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारे विचार कब बदलते हैं? जब महापुरुषों की चरण शरण में जीव आ जाता है। महापुरुषों की ये कृपा होती है कि वो अपने चरणों में आकर के हमारे ऐसे सुंदर आंतरिक, हमारा अंतर मन सुंदर बना देते हैं, हमारे विचार सुंदर बना देते हैं और संसार में रहते हुए हमें जीना सिखा देते हैं, हमें वो सच्ची खुशी और वो सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे महापुरुषों की हम ऊपर इतनी कृपा है। हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। हमें ऐसे भक्ति के अनमोल साधन हमारे सतगुरु देव जी ने प्रदान कर दिए हैं कि संसार में रहते हुए हर जीव के लिए वो साधन अप्लाई करते हैं। ये नहीं कि केवल आश्रम वासियों के लिए उन्होंने फरमाया। उन्होंने कहा कोई भी गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, बच्चा है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, भारतीय है या किसी भी जाति बिरादरी का है, कोई भेदभाव नहीं है। केवल भक्ति के नियमों का जो भी पालन करेगा, भक्ति के नियम है श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान। हमें इन नियमों का परिपक्वता से पालन करना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।